आज मैं बहुत ही लजीज ये पराठा बनाएंगे फ्रेंड्स। तो ये मटर और पनीर का पराठा है, लहसुन है, मरचा है और प्याज अदरक ऐसे हम अच्छी तरह से बारीक काट लिए। मटर है एक कटोरी और इसमें हम थोड़ा सा 100 ग्राम मटर लिए हैं और 100 ग्राम ही इसमें हम पनीर भी डालेंगे। तो पनीर को इस तरह से ग्रेट कर लिए हैं फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही अच्छी लगती है, एक बार इसे ज़रूर बनाइए फ्रेंड्स। तो देखिए उसके बाद हम ये अच्छी तरह से चॉप कर लिए लहसुन और अदरक को, और उसके बाद धनिया के पत्ता लिए हैं ढेर सारा। तो चलिए इसे हम बनाते हैं फ्रेंड्स। तो जिस तरह से आटा हम रोटी के लिए लगाते हैं फ्रेंड्स, उस तरह से ये रोटी के आटा हम पहले से ही लगा कर रखे हुए हैं। इस तरह से सॉफ्ट आटा लगाइएगा, अगर आपका आटा कड़ा रहेगा तो ये अच्छी तरह से फिलिंग नहीं भरी जाएगी। तो एक कढ़ाई रख के सरसों का तेल रखें और उसमें हम जीरा एक चम्मच डालकर, लहसुन मिर्चा डालकर और अदरक को भी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो इसे 2 मिनट भून लिए, उसके बाद हम जो प्याज बारीक काट कर एक रखे थे उसे डाल देंगे। तो मसाले को भूनना अच्छी तरह से ज़रूरी है फ्रेंड्स, तभी सॉफ्ट हो जाएगा। तो पराठा में फिलिंग भरेंगे तो फटेगा नहीं। अब उसके बाद थोड़ा सा ज्वाइन मंगरेल आधा चम्मच, और फिर उसके बाद मटर डाल देंगे और मटर को भी अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक से ये अच्छी तरह पक जाए। तो देख लेंगे पहले, और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से ढक कर पकाएंगे फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च है फ्रेंड्स, और थोड़ा सा गरम मसाला, और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। तो देखिए इस तरह से मिलाने के बाद इसे हम ढक दिए और ढक कर 2 मिनट तक से इसे मीडियम आंच में पकाएंगे। तो देखिए 2 मिनट हो गया, ढक्कन को हटा दिए और उसके बाद इसे अच्छी तरह से चलाते हुए एकदम इसे पानी को सुखा लेना है। तो देखिए मटर एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है फ्रेंड्स। तो इस तरह से मटर जब हो जाए तो आप फ्लेम को हाई करके इसे अच्छी तरह से भून लेंगे, और उसके बाद हम इसमें पनीर को भी डाल देंगे। पनीर को थोड़ा सा भूनेंगे, पनीर को ज़्यादा भूनना नहीं है, हल्का सा भूनेंगे फ्रेंड्स। और उसके बाद जो धनिया का पत्ता काट कर रखे थे बारीक उसे डाल देंगे, और इसे हम अच्छी तरह से डालने के बाद देखिए अब फ्लेम कम कर दिया और इसे निकाल लेंगे और फिलिंग को ठंडा होने देंगे। तो देखिए कितनी देखने में शानदार लग रही है, आप इसे इस तरह से भी खाइएगा फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छी लगती है। अब फिलिंग ठंडा हो गया तो इसे हम अच्छी तरह से इसे मिला लिए। देखिए एकदम अपने हाथों से ही मिलाइएगा फ्रेंड्स, तो एकदम इस तरह से हो जाएगा। और उसके बाद आटा को हम जितना बड़ा आपको पराठा बनाना है उस आकार से आप इस तरह आटे को काट लीजिए, और एक पेड़ा काट कर इस तरह से चारों तरफ से घुमा कर, और आटे में थोड़ा सा इसे हम सूखा आटा से लगाकर इस तरह से हम खोल बनाएंगे। तो पराठा तो आप कितना तरीका से बनाइएगा फ्रेंड्स, तो इस तरह से बनाने से अंदर फिलिंग अच्छी तरह से सेट हो जाती है। तो इसमें हम ज़्यादा नहीं हल्का सा एक चम्मच भरकर एकदम डालेंगे, और इसे हम अच्छी तरह से पैक करेंगे फ्रेंड्स, ताकि मेरा पराठा टूटे नहीं, इसमें फूटे नहीं। तो देखिए एक्स्ट्रा आटा जो है उसे हम निकाल देंगे और इसे अच्छी तरह से देखिए एकदम सील कर दिए, और हाथों से थोड़ा सा इस तरह से दबाते हुए कर लेंगे कि फिलिंग चारों तरफ से अच्छी तरह से सेट हो जाए। और उसके बाद हम इसे हल्के हाथों से बेलेंगे, तो हल्के हाथों से बेलना ही बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, नहीं तो ज़्यादा जोर से बेलिएगा तो ये टूट भी सकती है। तो देखिए और उधर हम तवा रख दिए हैं गर्म होने के लिए, तो बस इसकी इतने ही मोटाई बेलना है। तो एक और भर के हम दिखा देते हैं इसमें, इस तरह से आप खोल बनाइए और उसके बाद हम इसमें फिलिंग को भर देंगे और इसे अच्छी तरह से एकदम सील कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स मटर एकदम सॉफ्ट हो गया है, एकदम अंदर चल जाता है, और इस तरह से ऊपर से हम काट कर इसे अच्छी तरह से अपने हाथों से पहले इसे दबा देंगे, और उसके बाद इसमें हम सूखा आटा लगाकर और इसे हम पराठा का आकार का जिस तरह से हम आलू का पराठा बनाते हैं उस तरह से इसे हम बेल लेंगे। तो बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से बेल लीजिए। तो देखिए सभी पराठे को इस तरह से आप पहले बना लीजिए, और उसके बाद हम तवा रखे हैं उस पर हम इसे डालेंगे।
तो तवा मीडियम गर्म है फ्रेंड्स, तो उसे हम एक तरफ से अच्छी तरह से पकाएंगे और उसमें छन्नी के सहायता से दूसरी तरफ भी पका लेंगे। तो पराठा तो आप सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, बटर में भी बना सकते हैं, लेकिन शुद्ध घी में बनाइएगा फ्रेंड्स तो इसका टेस्ट दुना हो जाएगा। तो आज हम शुद्ध घी में बना रहे हैं, आप इसे तेल में भी रिफाइन में भी बना सकते हैं। तो एकदम हल्का हल्का इसे हम एक तरफ लगा दिए, अब दूसरी तरफ भी पलट कर और इसे भी हम थोड़ा सा लगा देंगे। और इसे मीडियम आँच में एकदम करारा हम होने तक एकदम छन्नी से दबा दबा कर इसे हम पकाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी लगती है, तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए एक पराठा बन गया, इसी तरह हम सभी पराठे को बना लेंगे। और ये बनाने में बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, और अभी ठंड के मौसम में मटर तो बहुत आ रहा है हरा हरा, तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो उसी तरह जिस तरह सेम हम लगाए हुए थे घी, उसी तरह घी को लगाकर और इसे भी उलट पलट कर अच्छी तरह से हम सेक लेंगे एकदम करारा। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी पराठा बनकर तैयार हो गया। तो आप इसे सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, नहीं तो धनिया के चटनी के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो इसे हम देखिए एकदम दोनों तरफ से अच्छी से हो गया है, और ये देखिए धनिया के चटनी के साथ इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए फ्रेंड्स। तो आप इस अंदर का फीलिंग भी हम दिखा देते हैं आपको फ्रेंड्स कि कितनी सॉफ्ट बनी है पराठा, और एकदम चारों तरफ से एकदम फीलिंग कितनी शानदार लग रही है और एकदम हरा हरा। तो आप इसे बनाइए और खाइए और मेरे कमेंट्स में लिखिए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।